नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो अंजाम तक पहुंच चुका है और एक दो दिनों के अंदर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बाजाबता ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली से पटना पहुंचे मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक दो दिन के अंदर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से जाने पर उन्होंने साफ कर दिया कि अगर दो दल महागठबंधन से गए हैं तो तीन दल चार दल महागठबंधन में आ रहे हैं। उनका इशारा, उनका कहना, वाम दल भी महागठबंधन में आ रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल होने जा रही है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल सीट शेयरिंग हो चुकी है। अगर किसी दल को महागठबंधन में दिक्कत है तो एक सीट या दो सीट को देने के लिए मुकेश सहनी तैयार है। हम महागठबंधन के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। आगे आप वीडियो में देखिए मुकेश सहनी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। फाइनल होगा सीटों को लेकर अभी तक कोई महागठबंधन में बातें नहीं हुई हैं, ना तेजस्वी जी कुछ बोल पा रहे हैं। प्रदेश बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ पॉलिसी के साथ तैयार होता है और मुझे लगता है कि एनडीए का अभी भी नहीं हो पाया। और हम लोग भी कल या परसों हम लोग इधर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। इंटरनल सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, वीआईपी कितने सीट पर लड़ना है, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ना है, वाम दल कितने पर लड़ना है और आरजेडी कितने सीट पर लड़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। आपने कहा था कि अहम त्यागना होगा कांग्रेस को, जो सीटें मिल रही हैं उसमें समझौता करना पड़ेगा। सब पार्टी को अहम त्याग करके मजबूती से लड़ना पड़ेगा। किसी साथी को एगो दुगो टिकट चाहिए तो मेरे से ले ले, लेकिन लड़ाई बिल्कुल ही नहीं होगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने सहयोगी के बीच में। आपके महागठबंधन के नेता धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, कुछ दिन पहले मांझी जी छोड़े, फिर उपेंद्र जी और मांझी जी दोनों के महागठबंधन के क्या स्थिति है? कांग्रेस की अपगाड़ी है। देखिए, दो दल गए हैं तो तीन दल आए हैं, ठीक है, और एक दल और मतलब हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ जाएंगे। दो गए तो चार आएंगे, तो चलते रहता है। और निश्चित तौर पे हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और उसके अनुकूल वो काम करना चाहता है। अगर उनको कंफर्टेबल नहीं महसूस होता तो दूसरा रास्ता देखते हैं। क्या आपको लगता है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा आपको? देखिए, साथ में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी उनका अपना निर्णय हुआ, उन्होंने जो डिसीजन लिया उनको स्वागत है। बाकी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस के भी नेता अभी गए हैं दिल्ली, वो भी नाराज हैं, कह रहे हैं तो 70 सीट। कोई नाराजगी नहीं है, सब आपस में सेटल है, कोई कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो दिल्ली से भी लौटा हूँ, कल दिल्ली में टॉप लीडरशिप से बातचीत हुआ और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। यह है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक दो दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान बाजाबता कर दिया जाएगा। उनकी मुलाकात दिल्ली में कांग्रेस के टॉप लीडरों से हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।